सिविल सर्जन कार्यालय में प्रेस वार्ता का एक आयोजन किया गया, जिसमें विश्व मलेरिया दिवस के उपरांत मलेरिया को नियंत्रित करने और उन्मूलन के वैश्विक प्रयास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 अप्रैल को इसका वार्षिक आयोजन किया जा रहा है। विश्व मलेरिया दिवस दुनिया भर के देशों में मलेरिया के अस्तित्व को पहचानने और इस बीमारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अधिक जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। उक्त बातें मलेरिया एक साफ और ठहरे हुए पानी में पनपने वाले संक्रमित मादा एनोफिलिज मच्छर के काटने से फैलने वाला एक संक्रामक तथा अधिसूचित बीमारी है। मलेरिया परजीवी, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, और मच्छरों के लार ग्रंथि में मौजूद रहते हैं। मलेरिया को समय पर जांच और इसे इलाज न होने से जानलेवा हो सकता है। पच्चीस अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है, इसलिए हमारा प्रोग्राम है कि सबको जागरूक करें, सब लोग जागरूक रहें कि मलेरिया क्यों होता है, मलेरिया से क्यों लोग मरते हैं, मलेरिया से बचाव कैसे होगा, मलेरिया हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ताकि समय पर ट्रीटमेंट हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन नहीं। पहली बात काम करना है कि मलेरिया से हमारा बचाव हो जाए, हम मलेरिया से बीमार नहीं पड़े, मलेरिया हो नहीं। अगर खुदा न खास्ते एक दो आदमी को हो ही गया हजार में, तो वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाए। बचाव के लिए क्या, बचाव के लिए बहुत सारी बातें हैं। हम अपने चारों तरफ सफाई रखें, मच्छर को नहीं पनपने दें। अगर कहीं मोहल्ला में गांव में रोगी मिलता है तो उसका समय पर ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि फैलेगा किसी रोगी से दूसरे, किसी रोगी को मच्छर काटेगा, वहां से वो कीड़ा लेगा, फिर वो अपने पेट में उसको डेवलप कराएगा, और उसके बाद फिर वो किसी स्वस्थ आदमी को काटेगा तो मलेरिया होगा। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से अब तक मलेरिया से बचाव को लेकर क्या किया गया? पहल का काम जागरूक करना, सबको जागरूकता तो खैर आम बात है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया मच्छर ना पनपे इसे लेकर क्या किया? हमारे पास समूचा शहर के गंदगी को हटाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम तो प्रार्थना पत्र दे सकते हैं सबको।